मोहब्बत की दास्तानों को एक नए कलेवर, एक नए अंदाज के साथ पेश करना डायरेक्टर इम्तियाज अली का ट्रेडमार्क बन चुका है। वो कहानियाँ बुनते हैं, उनके किरदार पैदा करते हैं और फिर अपने करीबी सितारों के साथ उनमें जान भरते हैं। पर पिछली दो फिल्मों ने इम्तियाज के ट्रेडमार्क पर धब्बा लगाया है। पहले जब हैरी मेट सेजल को लोगों ने पसंद नहीं किया, अब लैला मजनू के पोस्टर पर लगा उनके नाम का ठप्पा काम नहीं आया। इम्तियाज अली इन दिनों काफी परेशान है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर वो काम शुरू कर चुके हैं, वेब सीरीज पर भी उनका काम शुरू है, लेकिन लैला मजनू ने उनके ब्रांड पर जो डेंट मारा है वो उनकी असली परेशानी है। लैला मजनू की प्रोड्यूसर उनकी पत्नी रह चुकी प्रीति अली थी, डायरेक्टर उनका भाई साजिद। दोनों की मदद के लिए इम्तियाज ने कहानी लिखी और अपना नाम भी दिया, लेकिन फिल्म क्या है ये इम्तियाज के फैंस को आखिर तक पता नहीं चला और इसी चक्कर में उनके लाखों फैंस ने फिल्म देखने का मन ही नहीं बनाया। इम्तियाज अली ने फिल्म लैला मजनू के फ्लॉप होने का पोस्टमार्टम शुरू किया है। वो लोगों से मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से भी अनौपचारिक बातचीत में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। लबोलुआब में यही निकल रहा है कि इंसान दुनिया से तो जीत जाता है पर रिश्तों में हार जाता है, लिहाजा इम्तियाज अब अपने करियर पर और अपने प्रोडक्शन हाउस पर ही फोकस करने जा रहे हैं और घर वालों की मदद के लिए फिल्में बनाने से तौबा कर रहे हैं। इम्तियाज अली फिर से प्रोडक्शन की कमान संभालने की तैयारी में भी हैं। रॉकस्टार की सीक्वल को फिलहाल वो ठंडे बस्से में डाल रहे हैं और राधा कृष्ण की कहानी की कालजयी बनाने पर जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं। वृंदावन से लेकर बरसाने तक की गलियों की खाक छानने वो जल निकलने वाले हैं। निधिवन का रहस्य भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म को धार्मिक फिल्म न बनाकर वो पीरियड फिल्म की तरह बनाने का फैसला कर चुके हैं और इसके लिए राधा और कृष्ण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों, घटनाओं और किताबों का जखीरा जुटा रहे हैं। राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी के लिए कास्टिंग शुरू है। इम्तियाज उसके लिए रोज नए कलाकारों से मिल रहे हैं। फिल्म का बजट 100 करोड़ से ऊपर का है और फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए वृंदावन में बड़ा कार्यक्रम करने की भी तैयारी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, मुंबई।